प्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं, क्या ये बात जो है इंदिरा जी की, इंदिरा जी इस देश की सबसे टॉलेस्ट नेता रहे, उत्तुंग, सबसे बड़ी नेता, उसके बाद कोई नेता न बना है न बनेगा। अब प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का होता है, उनको सभी तबके के लोग मिलते हैं। मैंने कोई बयान नहीं दिया है, मुझे कोई सवाल पूछे गए, जब मैं जर्नलिज्म की शुरुआत की थी उस वक्त जमाने की जर्नलिज्म, क्राइम जर्नलिज्म पर, ऐसे मैंने बताया कि उस वक्त के जो लोग थे वो आज के जैसे नहीं थे, वो अपने आप में एक प्रतिष्ठा उनको थी, पॉलिटिकल थी, सोशल कामों में उनका ज़्यादा रुचि थी, बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े थे, हाँ, हजीम अफ्तान की एक पार्टी भी बाद में बनी थी। करीम लाला जो थे वो तो इस देश के जो पठान कम्युनिटी थी उनके सबसे बड़ा नेता थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ की जो पठान कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी, वो हिंदुस्तान में रहना चाहती थी, और उनके नेता थे खान अब्दुल गफार खान। इतिहास में उन्हें सरहद गांधी से नाम से जाना जाते हैं, हमारे स्कूल में उनके लिए बहुत बड़े सिलाब खिदमतकार, खुदाई खिदमतकार थी। तो यहाँ बाद में एक पख्तून हिंद नाम की एक संगठना बनाई थी लोगों ने, और उनके कोई प्रश्न थे पठानों के, तो वो सब करीम लाला के माध्यम से खान अब्दुल गफार खान सरकार तक ले जाते थे। और सरहद गांधी को इस देश में बहुत सम्मान था, भारत रत्न भी दिया उनको, मैं खुद उनसे मिला हूँ। जब वो बीमार थे और उनका देहांत भी मुंबई हॉस्पिटल में हुआ था, मैं बहुत बार जाकर मिला हूँ वहाँ उनसे, उस वक्त भी मैंने करीम लाला को वहाँ देखा है। तो करीम लाला से मिलना, देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त की बात करता हूँ, उस वक्त वो नेता थे, पठानों के नेता थे, और पठानों की समस्या इस देश में बहुत थी, और वो अपनी समस्या लेकर सरकार के पास जाते थे और सरकार के लोग उनसे मिलने आते थे। इसलिए मिलने आते थे कि वो खान अब्दुल गफार खान ने उनको अपॉइंट किया था, खान अब्दुल गफार खान उनके घर में आकर भी रुकते थे। उस वक्त मैं भी गया हूँ वहाँ, तो उनके घर में मैं देखता था सब बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो थे, सिर्फ इंदिरा जी नहीं, सभी पार्टी के, जो आज आरोप भी कर रहे हैं ना उनके पार्टी के नेता के भी यहाँ फोटो उनके साथ लगे थे, और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि करीम लाला एक माफिया डॉन के तौर पर देखे जाते थे, एक स्मगलर के तौर पर देखे जाते थे, उनका एक ड्यूबियस पास्ट उसमें भी रहा था, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत बार उसका ऊपर लिखा भी है, बतौर लेखक रिपोर्टर मैंने बहुत उसका ऊपर लिखा पढ़ी की है उस वक्त, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो बाद में की बात है। लेकिन यही इंदिरा जी थी, यही इंदिरा जी ने हजीम अफ्तान और करीम लाला को मिसा में जेल में डाला था इमरजेंसी में, आपको मालूम है, तब भी बहुत कोशिश की थी कि उनको अरेस्ट न की जाए, बहुत दबाव था इंदिरा जी के ऊपर, और करीम लाला के लिए तो इंटरनेशनल दबाव था उस वक्त, क्योंकि वो पठानों के नेता थे देश विश्व में सबसे, फिर भी इंदिरा जी ने ये सभी को जेल में डाला था, सब लोग जेल में थे ये। तो मैं ये मानता हूँ इंदिरा जी का ये ताकत है, शक्ति थी, सबसे बात करती थी, सबसे उनकी मुलाकात होती थी, सबकी बात सुनती थी इंदिरा जी। लेकिन अचानक से ये कुछ लोग आते हैं और इंदिरा जी और करीम लाला का, अरे देखिए ठीक है, क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी को नहीं मिलते, लाल बहादुर शास्त्री किसी को नहीं मिलते थे, राजीव गांधी, लाल डेंगा कौन था, ऐसे बहुत से पीडीपी के नेता कौन है, बातचीत तो होती है ना इस देश में, जो फुटीरतावादी लोग हैं, हुरियत वाले भी है, उनसे भी देश में बातचीत होती है ना। तो जो लोग इस देश के साथ जुड़े हैं ऐसे बहुत से लोग थे, बाद में उसे कहा गया कि ये माफिया है, ये क्रिमिनल है, ठीक है, हो सकता है पुलिस रिकॉर्ड हो सकता है और होगा भी, लेकिन मैं उस जमाने की बात करता हूँ जब ये पठानों का आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को विशेष आपत्ति है, पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल के प्रतिपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस पर सफाई मांगी है, कुछ कांग्रेस के नेता भी खफा नजर आ रहे हैं इसमें, मिलिंद देवरा है, संजय निरुपम, ये बच्चे थे तब ना, ये लोगों ने कभी इंदिरा जी को देखा है ना, इंदिरा जी के बारे में रिसर्च किया है ना, स्टडी की है ना, उनकी बात सुने, हमने ये बात सब नज़दीक से देखी है, हमने मुंबई की राजनीति भी देखी है, मुंबई का आंदोलन भी देखा है, सब कुछ देखा है, इसलिए मैं बहुत ही संयम से ये बात कर रहा था
लेकिन कुछ लोगों ने उसकी राजनीतिक जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो मैंने कहा ठीक है अगर किसी को आपत्ति है तो मैंने जो कहा है वो वापस ले दो, लेकिन रिकॉर्ड पे है आप कैसे वापस ले सकते हो। मैंने वापस ले लिया। मुझे इंदिरा जी के बारे में इतना आदर है, जब एक कांग्रेस वाले और पार्टी के लोग चुप बैठते थे इंदिरा जी के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करते थे दिल्ली में, और तो मैं संजय राउत सामने आकर बात करता रहा इंदिरा जी के बारे में, लिखता रहा सामना में इंदिरा जी के बारे में। तब सबकी बोलती बंद होती थी। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। इंदिरा जी इस देश की महान नेता, क्रांतिकारी नेता, जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की हिम्मत दिखाई, ऐसी नेता, इस देश में जो गरीब लोग हैं उनकी माँ हमेशा रही हो, तो मुझे आदर है और रहेगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि संजय, जैसा आपने खुद कहा कि आप डरते नहीं है, बेबाक नेता है ऐसा लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन फिर अलायंस की कंपल्शन की वजह से शायद आपको बयान पीछे लेना पड़ रहा है। मुझ पर कोई कंपल्शन नहीं है। मुझे लगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को मैं क्या बोल रहा था समझ में नहीं आया। मैं आदर के तौर पर बोल रहा था कि उस वक्त इंदिरा जी के बड़प्पन था कि सबकी बात सुनती थी वो, क्योंकि हजी मस्तान ने एक पोलिटिकल पार्टी निकाली, उनके साथ जोगेंद्र कवाड़े गए, आज जोगेंद्र कवाड़े कांग्रेस के साथ है आपको मालूम है, हाँ जी, हजी मस्तान के साथ और फ्रंट नाम की एक पार्टी थी ना। तो अब ये करीम लाला ठीक है ना भाई, करीम लाला की बात है करीम लाला की जगह पे, लेकिन उस वक्त पठानों की समस्या लेकर एक आदमी खड़ा था। उस वक्त मुझे नहीं लगता उस वक्त माफिया था, ये था वो बात 1992 के बाद की सब ये बात है, और ये मैं जो बोल रहा हूँ उससे पहले की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत।